नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज फिर से बात करने वाले हैं आपके क्लास ट्वेल्थ हिंदी के प्यारे साथियों करबक चैप्टर्स के एमबीबीआई एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर सवाल से कि करबक के कवि कौन है? कबीरदास है, सूरदास है, या मलिक मोहम्मद जायसी है, या नवादास है? चार ऑप्शन इसी प्रकार आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपको एक ऑप्शन जो होगा राइट लगाना होगा। तो करबक के प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे कवि जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर मलिक मोहम्मद जायसी, ये इन्होंने ही करबक की रचना की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद है कि सभी का आंसर यहाँ पे राइट आएगा। तो करबक के कवि कौन है? बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग है, करबक है, उषा है, या हार जीत है? देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को आपको दो तरीके से पूछा जा रहा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो यहाँ पे कविता है वो क्या है? करबक है, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके बी में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है क्या 1450 या 1485 या 1492? तो जी हाँ दोस्तों, 1492 में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? जायसी जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो कौन से प्रदेश में हुआ था प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन से प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नज़र आ रहा है। जायसी किस तरह के कवि है? भक्ति कवि है, सूफी कवि है, सिंगारिक कवि है, इनमें से कोई नहीं। जायसी जो है एक प्रकार की कैसी कवि है, ज़रा बताने का प्रयास कीजिएगा। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए आज की इस लाइव क्लास को। जायसी किस तरह के कवि है? बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सूफी कवि है। क्या है? सूफी संत कवि है, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जो जन्म स्थान है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश की अमेठी में पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर आपके डी में नज़र आ रहे हैं। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, शेख यमरेज, शेख परवेज, या इनमें से कोई नहीं। जायसी के पिता का जो नाम था प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से बताइएगा। तो जायसी का पिता का नाम क्या था? शेख यमरेज था। क्या था? शेख यमरेज जो है ये जायसी जी के पिता का नाम था, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके बी में नज़र आ रहे हैं। जायसी थे, जायसी क्या थे बताइएगा? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं। जायसी क्या थे प्यारे विद्यार्थियों? तो जायसी जो थे एक प्रकार के क्या थे? फकीर थे। जायसी क्या है? एक प्रकार के फकीर थे, सूफी संत कवि थे, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फटाफट से चलते हैं। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुण भक्ति काव्य। जायसी जो है हिंदी साहित्य के किस काव्य कथा से जुड़े हैं, इसका जवाब जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल प्रेम मार्गी का यहाँ पे शाखा से है जायसी जी। ऑप्शंस नंबर क्या होगा? बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। जायसी का काव्य की भाषा कौन सी है? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, अवधी थी, अरबी थी। तो जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? बिल्कुल बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवधी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। अवधी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जायसी की काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी जी की काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल श्रृंगार रस, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शंस नंबर बी, ऑप्शंस नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? तो रत्नसेन और पद्मावती की कथा को जायसी जी ने प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से? रक्तलुपी लेई द्वारा जोड़ा है। क्या? रक्तलुपी लेई के द्वारा उन्होंने जोड़ा है। चलिए, जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा जोड़ा है? फिर से वही सवाल है, किसके द्वारा सींचा है? वहाँ पे था जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे था सींचा है। तो काफ़ी क्वेश्चंस में चेंजेज है, याद रखिएगा। अपने आंसुओं से क्या किया है? सींचा है, जो कि ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ए में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए। चलिए, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी किस दोष से युक्त है, यानी कौन सा उनको दोष है, यानी शरीर से कौन सा दोष है प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या है? नेत्र दोष है। नेत्र उनके पास नहीं है, याद रखिएगा। किनके पास? जायसी जी के पास, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके बी में नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी रोचक यहाँ पे पढ़ने में आपको लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, एक बार आप इसको पढ़ के देखिएगा। तो ऑप्शंस नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है?
सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या नदी की भांति। तो जायसी का काव्य जो है किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो किस प्रकार गंभीर और व्यापक है, तो समुद्र की भांति है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, नावादास, सूरदास, कबीरदास। प्रेम के पीर के कवि जो है वो कौन है? जी हाँ, प्रेम के पीर के कवि इन्हीं को कहा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी को, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। करवक कहाँ से लिया गया है? करवक जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम अखरावट से, या मधुमाला से, या पद्मावत से। तो ये पद्मावत से लिया गया है, याद रखिएगा। करवक के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, करवक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास। फिर से देख सकते हैं, तीन बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से। तो मलिक मोहम्मद जायसी करवक के रचयिता है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अगर आप स्टडी भी थ्रबी से जुड़े रहेंगे तो आप इसी प्रकार सुपर फास्ट क्लास देखेंगे, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन कराया जाएगा, ताकि आप बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम जो है निश्चित रूप से फोड़ सके और 90% को पार कर सके। उम्मीद है कि आप लोग जरूर स्टडी विथ रवि को यहाँ पे क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और फटाफट से जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है इसको जरा बताने का प्रयास कीजिए। तो ये है अवधि, क्या है अवधि है मेरे विद्यार्थियों। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? 20 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? प्रेम संख्यात्मक काव्य परंपरा के क्या है? कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की? कमल, मुकुट, सरोवर या दर्पण। तो जैसी जी है अपने आँख की उपमा जो है ये दर्पण से करते हैं। इनसे करते हैं? दर्पण से करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी प्यार विद्यार्थी ये है प्रेम मार्ग की शाखा के, ज्ञान मार्ग की शाखा के, राम मार्ग की शाखा के, कृष्ण मार्ग की शाखा के। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये क्या है? प्रेम मार्ग की शाखा के क्या है? कवि है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कौन सी कृति जैसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मृगावती। तो याद रखिएगा, कौन सी कृति जो है जैसी जी की नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मृगावती नहीं है, बाकी बात सभी जो है इन्हीं का है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है 24 क्वेश्चन जो है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेसन से, आपके चैप्टर से सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनाए गए थे, PYQ भी शामिल किया गया था। उम्मीद है कि इससे बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय एंड टेक केयर।